Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? And in today's video, we are going to review 6 sunscreens. Initially, मैं 5 का करने वाली थी, but I realized I actually have 6. So 3 हैं Indian brands और 3 ही मेरे पास हैं यहाँ पर Korean brands, 3 very famous Korean brands और 3 very famous Indian brands जो बिल्कुल उनके टक्कर के ही हैं. And उन तीनों की sunscreen मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ. For you to review, for me to review and for you to know कि आपको इस सीजन में किस सनस्क्रीन को यूज करना चाहिए. So without any further ado, let's get into this video. Let's go. I will link all the products in description box for you to check out. ठीक है, तो एक इंडियन और एक कोरियन ऐसे शुरू करेंगे. राइट, फर्स्ट मैं शुरू करती हूँ प्लम से. मेरे पास प्लम की एक नहीं, एक्चुअली 2 सनस्क्रीन है, जिसमें से एक का लाना भूल गई. एक्चुअली मेरे पास दोनों ही है, मेरे पास दोनों के ना छोटे वाले वर्जन है. सो दिस इज स्कोलिन एंड विटामिन ई यूवी ब्राइट सनस्क्रीन. दोनों ही SPF 50 PA++++ है और ये है राइस वाटर एंड नायसिनामाइड हाइब्रिड सनस्क्रीन. सो ये दोनों ना वो उस तरह की सनस्क्रीन है जिनमें आपको स्किन केयर और सनस्क्रीन सन प्रोटेक्शन दोनों मिलेंगी. सो स्कोलिन इज मेंट स्कोलिन विटामिन ई यूवी ब्राइट सनस्क्रीन. दिस इज स्पेसिफिकली ड्यूवी ब्राइट करने के लिए, जिनको एक भी टेक्सचर अच्छा लगता है स्किन पे, दिस इज फॉर दैट पर्पस. एंड बिकॉज इट हैज कोलिन एंड विटामिन ई, इट विल केटर मोर टुवर्ड्स अ ड्राई स्किन टोन. दिस ऑन द अदर हैंड इट हैज राइस वाटर एंड नायसिनामाइड. सो नायसिनामाइड ओनली 2% नायसिनामाइड, व्हिच इज वेरी लेस कंपेयर्ड, लाइक नायसिनामाइड 2% बहुत कम होता है. बट राइस वाटर इज वन इंग्रेडिएंट जो एक्चुअली लोग काफी पसंद करते हैं फॉर लाइक ब्राइट क्लियर स्किन. तो अगर आपकी उस तरह की नीड्स है, यू कैन गो विद दिस वन. एंड इफ यू हैव समथिंग लाइक आपकी सिर्फ ड्राई स्किन है, यू वांट अ गुड सनस्क्रीन, यू कैन गो विद दिस वन. मैं पहले एक चीज बता देती हूँ कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को ना नॉर्मल तो ड्राई स्किन वाले ज्यादा पसंद करेंगे. ऑयली स्किन वालों के लिए या इवन अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन भी है, यू माइट नॉट लाइक दीज बिकॉज ये दोनों थोड़ी सी थिक हैं. लाइक मैंने ये वाली ना पिछले पूरे साल ट्राई करी है. मेरे पास का बड़े वाला ट्यूब पड़ा है, बड़े वाली ट्यूब पड़ी है और मैंने पिछले पूरे साल ट्राई किया. लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी थिक. लाइक इसका एक बहुत ड्यूवी टेक्सचर है एंड इट्स थिक ऑन द स्किन. सो अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, यू विल फील दैट थिकनेस, यू विल फील दैट हैवीनेस एंड यू माइट नॉट लाइक दिस. दिस ऑन द अदर हैंड, ये मैंने पिछले ही उसमें ट्राई की थी. मैं इसका थोड़ा सा टेक्सचर दिखा देती हूँ आपको. ये ना खुली रही मेरे से नेल्स की वजह से. इसका टेक्सचर उतना ज़्यादा हैवी नहीं है, इट इज़ लाइट एंड इट गॉट अब्जॉर्ब वेरी ईजिली. एंड या लाइक इट इज नाइस, मुझे ये अच्छी लगी. सो या इफ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस, यू कैन गो विद दिस वन. इट इज हाइड्रेटिंग विद नॉट मेनी स्किन बेनिफिट्स, लाइक इट इज जस्ट हाइड्रेटिंग गुड नाइस सनस्क्रीन विद अ ड्यूवी टेक्सचर. आई लाइक दिस वन बेटर. दिस इज फॉर लाइक दिस इज हैवी, सो मुझे उतनी अपने लिए ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी नहीं लगी. सो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप यू कैन चूज सनस्क्रीन. दोनों अच्छी हैं बट अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यू कैन चूज. ठीक है, सेकेंड अप आई हैव वन सनस्क्रीन फ्रॉम प्यूरिटो. मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास पीजी में पड़ी है मेरे. एंड सो मेरे पास सनस्क्रीन थी प्यूरिटो की. इसका मैंने एक्चुअली ट्रायल वर्जन मंगवाया था प्लम से एंड ओ माय गॉड, आई डिड नॉट लाइक इट. इट इज वेरी हैवी, इट इज वेरी ऑयली. लाइक उसको लगा के ऐसा लगता है कि मैं अपने मुंह पे कुछ ऑयली लगा कर आई हूँ. इट वॉज सो हैवी एंड ऑयली ऑन द स्किन दैट इवन माई सिस्टर पॉइंटेड आउट कि अपने मुंह पे ये क्या नीची चीज लगाई है, आप चमक रही हो. लाइक इट वॉज बैड. सो नो, इट वॉज नॉट गुड, नॉट गुड, सीरियसली वी डोंट नीड दैट. तो या यू कैन टोटली स्किप ऑन दैट, यू डोंट नीड इट. ओके, द नेक्स्ट ब्रांड आई हैव इज इंडियन ब्रांड विच इज डॉट एन की. एंड डॉट एन की सनस्क्रीन ना, मुझे ना वाटरमेलन वाली सनस्क्रीन एक्चुअली एक वीडियो बनाने के लिए मिली थी. इन द सेंस वाटर कोलैप्स होते हैं, तो मैंने सुनी थी मुझको वीडियो बनाने के लिए उसकी वो सनस्क्रीन मिली थी. एंड वो सनस्क्रीन फिर मैंने थोड़ा टाइम के बाद अपनी बहन को, लाइक मैंने थोड़ा टाइम उसको यूज़ किया, फिर मेरी बहन उसको ले गई थी. एंड माई सिस्टर लव्स इट सो मच दैट शी एक्चुअली आस्क्ड मी टू ऑर्डर उसी की जैसी दूसरी, उसी में दूसरा फ्लेवर. सो दिस टाइम शी वेंट फॉर विटामिन सी बिकॉज विटामिन सी हैज दैट ब्राइटनिंग इफेक्ट. सो या, सो व्हाट आई मीन इज दैट इट इज अ गुड सनस्क्रीन. इट इज नॉट वेरी हैवी, इट इज लाइट वेट, इट विल गिव यू दैट ड्यूवी इफेक्ट. लाइक कुछ लोग वो ड्यूवी इफेक्ट सनस्क्रीन से बहुत अच्छा लगता है. सो इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल, यू विल लाइक इट बिकॉज इट विल गिव यू दैट ड्यूवी इफेक्ट. इट इज लाइट वेट, इट इज नाइस, इट गिव्स यू गुड सन प्रोटेक्शन. ऑल इन ऑल आई वुड से इट वॉज अ रियली नाइस सनस्क्रीन. सो आई वुड से डॉट एन की फॉर द विन, इवन फॉर ऑयली स्किन पीपल यू विल लाइक इट. मेरी बहन की स्किन भी ऑयली, मेरे जैसे आपने प्रो टाइप की है, बट शी लव्ड इट, यू कैन लव इट टू, यू कैन डेफिनेटली ट्राई. नेक्स्ट अप आई हैव दिस ब्यूटी ऑफ जोसान. ब्यूटी ऑफ जोसान की मेरे पास एक्चुअली ये वाली सनस्क्रीन है, मैट सनस्टिक, जो मैं आई थिंक पिछले नवंबर से लगा रही हूँ.
यू कैन सी मैंने इसकी काफी खत्म कर दी है, उसमें बहुत सारी थी, बस अब इतनी सी रह गई है, पहले इतनी थी आई थिंक, राइट? तो आई यूज इट अ लॉट, आई यूज इट एवरी डे. लिसन, आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ स्पॉइलर, बट दिस इज माय फेवरेट फ्रॉम द लॉट. एज ऑयली स्किन गर्ल, जिसको वो ड्यूई वाला इफेक्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, आई रियली लव इट, बिकॉज ये ना एकदम मैट कर देता है स्किन को. सो स्किन इज लाइक सूथ, बिल्कुल मैट, बिल्कुल लाइक प्लेन कैनवस की जैसी. And I like how it just gives that good plain matte texture. I really like it for that purpose. It is a good sunscreen. It also kind of smooths my skin. Like जब मेरे acne बहुत ज़्यादा infected होता है ना, इसको लगाने के बाद I see कि वो भी थोड़ा काम हो जाता है. Because it has mugwort and camellia, it also smooths. So it is a really nice sunscreen. This is my favorite from the lot. Oily skin girls out there that do not like that dewy texture, this is for you, my loves. This is for you. This is the gem we all wanted but we never got. It's awesome. It's simply नेक्स्ट ब्रांड आई हैव इज एक्वालॉजिका, वहां पड़ी है ये क्या होती है. दिस इज हेयर रेडियंस एंड ड्यूमी सनस्क्रीन. आई थिंक ये मुझे किसी प्रोडक्ट के साथ एक ऐसा फ्री भी मिली थी, मैंने खरीदी नहीं थी, मुझे फ्री में मिली थी. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे ये अच्छी नहीं लगी. इट इज वेरी वेरी हैवी, वेरी हैवी. ड्यूई है तो ऑब्वियसली वो ड्यूई इफेक्ट देती है. मैं उस ड्यूई इफेक्ट की फैन हूँ, ओनली वेन दैट ड्यूई इफेक्ट इज सटल एंड नॉट इन योर फेस, लाइक आपके मुंह से तेल निकल रहा है. आई डोंट लाइक इट देन. ये ऐसे ही लगते लगे मुझे तेल निकल रहा है. एंड आई डोंट लाइक इट, इट्स वेरी हैवी, इट इज नॉट मेंट फॉर योर ऑयली स्किन. या मे बी इसको ड्राई स्किन वाले पसंद कर सकते हैं, बट आई डोंट नो, लाइक आई एम रेटिंग इट रियली लो. ये मेरी इस पूरी में से सबसे सबसे नीचे वाली उसमें आएगी, बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट, आई डिड नॉट एंजॉय इट, इट्स नॉट गुड. सो या एंड द लास्ट वन कोरियन ब्रांड, जो मैं कहूँगी मेरे टॉप कंटेंडर्स में है सनस्क्रीन की. मैंने सनस्क्रीन के बारे में इतनी अच्छी बातें सुनी थी एंड लेट मी टेल यू, इट डिड लिव अप. आई डू सी द हाइप, आई डू सी व्हाई पीपल लव इट, एंड दैट इज द सीजनरी वाटर जेल सनस्क्रीन. एंड मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते देखा दैट दिस इज एक्चुअली द बेस्ट सनस्क्रीन दे हैव एवर ट्राइड, एंड लिटरली इट इज. लाइक जिन लोगों को चाहिए कि उनको एक लाइट सनस्क्रीन मिले जो स्किन पे हैवी ना हो, बट उनको ये वाला मैट टेक्सचर नहीं चाहिए, दे वांट दैट नेचुरल स्किन ड्यूई सॉर्ट ऑफ टेक्सचर. दिस इज ड्यूई, लाइक इसका टेक्सचर ड्यूई है बट बिल्कुल स्किन जैसा ड्यूई है. इट वॉन्ट बी ओवर द टॉप ऑयली, बिल्कुल नेचुरल, लाइक योर स्किन रियली नाइस. एंड दिस इज रियली नाइस. ओके, अगेन दिस इज जस्ट लाइक वाटर, इट सेज वाटर सन जेल, इट इज वाटर, लाइक इट जस्ट गेट्स अब्सॉर्ब इन योर स्किन, नॉट सिट्स सो हैवीली. बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी. यानी सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछोगे ये दो फ्रॉम कोरियन वर द बेस्ट, इफ यू हैव दैट पॉकेट एंड अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपकी पॉकेट है, आई वुड से यू कैन डिच योर इंडियन ब्रांड्स, यू कैन डेफिनेटली गो विद कोरियन सनस्क्रीन, बिकॉज सनस्क्रीन लिसन कोरियन से अच्छी सनस्क्रीन कोई नहीं बनाता. बट अगर आप अफोर्डेबल टाइप की सनस्क्रीन चाहते हो, यू डोंट हैव दैट पॉकेट एंड यू आर जस्ट लाइक स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग, तो आप डॉट इन की ट्राई करो, उसकी सनस्क्रीन बहुत अच्छी है. यू कैन डेफिनेटली फाइंड योर गुड सनस्क्रीन अकॉर्डिंग टू वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम दैट रेंज. Right, so yeah, that was that. Please like button, subscribe to my channel if you already are, which is really nice. Bye bye.